से ज्यादा मिलता है ना, तो अब मेरा भी हो गया है। मुझसे बोली, बेटा जो समझ में आए वो लिख देना, मगर फिर ऐसा क्यों करती हो? जब जीरो ही देना है तो इतनी मेहनत क्यों करवाती हो? इतना पेन बर्बाद करो, दिमाग खर्च करो कि अब लिखे भी तो क्या लिखे, लिरिक्स तो लिख नहीं सकते। तो दिमाग चला चला के थोड़ा बहुत लिखते हैं, मगर लिखने का कोई फायदा थोड़ी मिलेगा, वही जो उन्होंने सोच रखा है। जीरो यार, बहुत डर लग रहा है, अब तो लॉकडाउन लग गया और हम जंगल में पड़े हुए। मम्मी अब अच्छा अच्छा खाना बनाएंगे, डोसा दाल बगना। और ये पिछली बार तो हमने बतासे खाए थे, इससे पूछो अब पिज्जा भी खाया था, चाट भी, समोसा भी। यार हमारी तो पार्टी हुई थी, जब अपने मन की भी बनानी होती तो पूछती क्यों कि क्या बना दे बेटा। बोली पनीर बना देंगे, और बनाया क्या? ये अलग ही लेवल का टॉर्चर है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि मम्मी बोले मैं बना रही हूँ पनीर, आप सपने देखो पनीर के, और फिर उसके बाद एकदम से सुनाई देता है कि बैगन बना दिया है? कभी ये दर्द छेड़ा है आपने? आज मेरे साथ यही हो रहा, सपने किसी और चीज के दिखाए और प्लेट में कुछ और ही देखने को मिलेगा। बाय। अरे मुझे ये बताओ, ये इतनी सारी रेसिपीज बनाई किसने? पहले बना दी, आदत डलवा दी, आदत डलवा नहीं थी, खराब कर दी। बर्गर, पिज्जा, नूडल, पनीर, ये वो सब खा खा के, और अब कहेंगे ग्रीन टी पियो, रोटी खाओ, कम नमक, कम मसाला, कम तेल। तो इतना पहले बनाया ही नहीं होता तो हमने खाया भी नहीं होता। अब कितना डिफिकल्ट होता है ये बेस्वाद खाना खाना। अरे यार ये मोहन है, उसके बैग में इतने चिल्लर है, 125 रुपए हो रहे हैं, तो बताओ 50 पैसे के कितने सिक्के, 1 पैसे के कितने सिक्के, 10 पैसे के कितने, 1 रुपए के कितने सिक्के। अरे हमसे क्या पूछ रहे, मोहन से पूछ लो, उसी ने तो रखे हैं उसमें। अच्छा ये बताइए कि कोई अगर फोन चलाता है तो उसको क्या क्या बीमारी होती है? सर दर्द होता होगा, आंखें खराब होती होंगी, इरिटेशन होता होगा, लेकिन नहीं, यहाँ पे अलग बीमारी होती है। चेस्ट में दर्द, फोन। पैर में दर्द, फोन। मेरी मम्मी का लॉजिक है ये, कुछ भी हो रहा है तो वो फोन ही कर रहा है। खाना नहीं खाने का मन है तो बेटा फोन चला रही, इसी वजह से मन नहीं कर रहा। क्या करें यार, ये रीजनिंग हो, इनके बैल बुद्धि लड़के, इनके जीवन में इतना कंफ्यूजन, इनको पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जाना है। पहले नॉर्थ जाएंगे 10 किलोमीटर दूर, फिर उसके बाद वो वहाँ से 270 का टर्न लेंगे और 50 किलोमीटर वापस आएंगे, फिर उसके बाद वो 90 डिग्री घूमेंगे, फिर उसके बाद वो पूछेंगे कि हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस क्या थी। अरे ये बताओ पहले तुम क्या फील्ड में घूम रहे हो जो तुम्हारी शॉर्टेज डिस्टेंस हम निकाल देंगे? अगल बगल और बीच में तुम्हारे रास्ता नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तुम बिल्डिंग खंड के जाओगे, शॉर्टेज डिस्टेंस तुम्हारी कैसे निकाल ले? उसके लिए तुम्हारा दिमाग तो चल नहीं रहा था, टर्न लेने में बड़ा दिमाग चल रहा था कि 270 डिग्री ले लें। पाइथागोरस में नहीं दिमाग लगा, उसमें हम इनको अपनी डिस्टेंस बताएं प्लस इनको डायरेक्शन भी बताएं कि इधर थोबड़ा करके खड़ा होना। यार ये होम ट्यूटर को लोग ज्ञानी क्यों समझ लेते हैं? मतलब सब कुछ आना चाहिए होम ट्यूटर को, किसी भी सब्जेक्ट में पीछे ना रहे, सब कुछ पढ़ा दे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स, उसका कोई सब्जेक्ट वीक नहीं होना चाहिए। अगर वो होम ट्यूटर है तो वो स्कूल के टीचर से भी ज्यादा सर्व ज्ञानी है, उसको सब कुछ आता है, और बच्चा अगर उठ पटांग क्वेश्चन पूछ ले तो वो भी वो आंसर कर दे। यार ये एम्प्लॉइज इतनी काम चोरी क्यों करते हैं? मैं गई बैंक, मैंने उनसे कहा कि मेरी पासबुक हो गई है पुरानी, मुझे नई वाली चाहिए, तो बोली कोविड चल रहा है ये सब मैं नहीं करूंगी अभी, आप बाद में आइएगा, ये सब बाद में होगा। फिर मैंने कहा नहीं मुझे जरूरत है, मुझे आज ही काम चाहिए। तो बोली क्या काम है? तो मैंने कहा मुझे ये कराना है, मुझे फाइनेंस कराना है। तो कही अच्छा बैठिए, और वो बंदी 5 मिनट में वो काम कर सकती थी, लेकिन मुझे
फेवरेट नंबर है उनका, मुझे ज्यादा मिलता है ना, तो अब मेरा भी हो गया है। मुझसे बोली, बेटा जो समझ में आए बोल ही देना, मगर फिर ऐसा क्यों करती हो? जब जीरो ही देना है तो इतनी मेहनत क्यों करवाती हो? इतना पेन बर्बाद करो, दिमाग खर्च करो कि अब लिखे भी तो क्या लिखे, लिरिक्स तो लिख नहीं सकते, तो दिमाग चला चला के थोड़ा बहुत लिखते हैं, मगर लिखने का कोई फायदा थोड़ी मिलेगा वही जो उन्होंने सोच रखा है। जीरो, क्या आपके साथ ऐसा होता है कि मम्मी बोले मैं बना रही हूँ पनीर, आप सपने देखो पनीर के और फिर उसके बाद एकदम से सुनाई देता है कि बैगन बना दिया है? कभी ये दर्द छेड़ा है आपने? आज मेरे साथ यही हो रहा है, सपने किसी और चीज के दिखाए और प्लेट में कुछ और ही देखने को मिलेगा। यार ये रीजनिंग हो, इनके दल बुद्धि लड़के, इनके जीवन में इतना कंफ्यूजन, इनको पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जाना है। पहले नॉर्थ जाएंगे 10 किलोमीटर दूर, फिर उसके बाद वो वहाँ से 270 का टर्न लेंगे और 50 किलोमीटर वापस आएंगे, फिर उसके बाद वो 90 डिग्री घूमेंगे, फिर उसके बाद वो पूछेंगे कि हमारी शॉर्टेज डिस्टेंस क्या थी। अरे ये बताओ पहले तुम क्या फील्ड में घूम रहे हो जो तुम्हारी शॉर्टेज डिस्टेंस हम निकाल देंगे? अगल बगल और बीच में तुम्हारे रास्ता नहीं है, बिल्डिंग नहीं है, तुम बिल्डिंग खंड के जाओगे, शॉर्टेज डिस्टेंस तुम्हारी कैसे निकाल ले? उसके लिए तुम्हारा दिमाग तो चल रहा था, टर्न लेने में बड़ा दिमाग चल रहा था कि 270 डिग्री ले लें। पाइथागोरस में नहीं दिमाग लगा, उसमें हम इनको अपनी डिस्टेंस बताएं प्लस इनको डायरेक्शन भी बताएं कि इधर थोबड़ा करके खड़ा होना।